हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं हम लोग आई आई टी जी 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है ये। तो लिमिट्स के कुछ कंसेप्ट हैं जो धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस एक्स एल एन वन प्लस बी स्क्वायर होल पावर वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू बी साइन स्क्वायर थीटा, वेयर बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। अच्छा, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल है मीन्स एग्जैक्टली वैल्यू माइनस पाई के इक्वल नहीं है, उससे थोड़ा ग्रेटर होगा एंड यहाँ पे पाई से लेसर होगा, ठीक है, अगर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो। देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज़, फोर ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। आप लोग ट्राई करना चाहो तो खुद से पॉज करके वीडियो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मेरे साथ में देखिएगा। तो मैं आपको पहले मेथड बताता हूँ। यहाँ पे जो भी ये लिमिट है, अगर वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे एक्स का, मीन्स ये लिमिट लिमिट पुट करेंगे अगर, तो एक्स टेंस टू जीरो गिवेन है यहाँ पे, ठीक है। और एक्स टेंस टू अगर जीरो गिवेन है, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वन के प्लेस पे तो वन ही रहेगा एंड एक्स के प्लेस पे ये जीरो वैल्यू हो जाना है, जिससे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो भी पावर है देखेंगे, वन अपॉन एक्स है, सो वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होगा। तो जो फंक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो वन पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, ठीक है। सो वन पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है तो उस केस में फॉर्मूला कौन कौन सा अप्लाई होता है, तो यहाँ पे कंडीशन है ये, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस एक्स पावर वन अपॉन एक्स, तो ये भी देखिए एक्स का वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे ये जीरो हो जाना है, सो वन रिमेनिंग बचेगा एंड वन अपॉन जीरो वुड बी इनफाइनाइट। सो वन पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, तो ध्यान रखिएगा एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे वन है तो वैल्यू यहाँ पे ई हो जाना है, या इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस वन अपॉन एक्स होल पावर एक्स इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा आप लोगों का, सर यहाँ पे कैसे होगा वन पावर इनफाइनाइट। तो देखते हैं, ये एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे पूरा, तो ये वन अपॉन एक्स मीन्स अनडिफाइंड हो जाना है, इनफाइनाइट हो जाएगा एंड एक्स का पावर जीरो हो जाना है। सो सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट पावर जीरो के टर्म में आ रहा है, वन पावर इनफाइनाइट या इनफाइनाइट पावर जीरो के टर्म में आ रहा है, तब भी वैल्यू यहाँ पे ई है। एंड अदर फॉर्म अगर यहाँ पे बताएंगे हम, तो ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ध्यान से याद करिएगा। जैसे यहाँ पे वन प्लस एक्स था, अगर ये वन प्लस टू एक्स होता तो यहाँ पे ई स्क्वायर हो जाता ये, ठीक है। तो जितना भी कोफिशियंट होगा ये ई के पावर में आ जाना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वन प्लस ए एक्स, सो ई पावर ए हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से कंसेप्ट सीधे अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो करना क्या है हमें, अदर फॉर्म और भी है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या फॉर्म गिवन है, L इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स पावर जी एक्स, ठीक है। तो मैं आपको एक तरह से पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स पावर जी एक्स, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड हियर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इस केस में यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, सीधे हम लोग देख रहे हैं ई के पावर में वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। सो ई पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले किस फॉर्म में लाना है, जैसे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स पावर जी एक्स इस फॉर्म में गिवन है लिमिट यहाँ पे। और कंडीशन है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू वन है एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। सो जो भी फॉर्म आएगा इस लिमिट का, वो वन पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में हो जाना है एंड वन पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज e पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस में।
तो फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 + xln 1 + b² / 1/x इज इक्वल टू 2b sin² थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये x का कोफिशियंट कितना है, ln 1 + b² है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, यही e पावर समथिंग जो भी कोफिशियंट होगा x का, वही e पावर हो जाना है। e पावर ln 1 + b² इज इक्वल टू 2b sin² थीटा। ठीक है, अच्छा ये क्यों अप्लाई किया समझ में आ रहा है ना। 1 पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में ये फंक्शन है पूरा। अगर एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो सीधी सी बात है वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो भी मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया है। सो ई पावर एल एन 1 + b² इज इक्वल टू 2b sin² थीटा। अब ध्यान दीजिएगा अगर ई पावर लॉग 1 + b² और यहाँ पे जो एल एन होता है इसका बेस ई होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एल एन लिख सकते हैं, मीन्स लॉग बेस ई को एल एन भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि जे वगैरह में जब क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरीके से लिखते हैं वहाँ पे। तो बेस अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका वैल्यू पूरा 1 हो जाना है। रिमेनिंग हमारे पास कितना बचेगा, 1 + b² इज इक्वल टू 2b sin² थीटा। सो sin² थीटा इज इक्वल टू 1 + b² / 2b। ये 2b मल्टीप्लाई में है, इस साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में ही कंडीशन गिवन है b should be greater than 0। ठीक है, तो b का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए। सपोज हमने b का वैल्यू 1 पुट किया, सो 1 + 1 2 हो जाना है, 2 / 2 (1, 2/2) हो जाना है, वैल्यू 1 हो जाएगा। मीन्स जो भी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरवल भी गिवन है, क्योंकि थीटा का जो वैल्यू गिवन है वो -π to π गिवन है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे कंडीशन अगर देखेंगे जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, सो sin² थीटा इज इक्वल टू sin² π/2 लिख सकते हैं। π/2 मीन्स साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। सो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू ±π/2 हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी के 1 से अगर ग्रेटर वैल्यू है तो वो तो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू तो मैक्सिमम 1 तक हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। और चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथ वालों को शेयर करिए। मैं इसी तरीके से कुछ जो क्वेश्चंस होंगे जेई लेवल के या जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है और फिजिक्स का भी इसी तरीके से सीरीज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जिसमें बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला कंसेप्ट सारा कुछ क्वेश्चंस के साथ में एक्सप्लेन करता जाऊँगा ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए क्योंकि ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट का। सपोर्ट इन द सेंस चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा तो कंटेंट और ज़्यादा एफर्ट किया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसे तो कर ही रहा हूँ मैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के सपोर्ट मिलने से। ठीक है, इसी तरीके साथ में बने रहिए। जय हिंद।